हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम 29 दिसंबर को जो आपके हिंदी और इंग्लिश में पेडागॉजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनमें से मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं कि आपके इस तरीके से पूछे गए थे, उनके मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और दोस्तों, जो आपके पैसेज और गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, वो तो आप वहीं रीड करके आप उनके सॉल्यूशंस वहीं आप दे देंगे। तो इसलिए मैं आपको पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चॉम्स्की। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बालक द्वारा किसी विषय को पढ़ना अथवा सुनना भाषा के किस कौशल से संबंधित है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ग्रहणात्मक। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मैंने मेरे PYQ में कराए हैं, सेम एज इट इज़ जैसे इसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप मेरे PYQ के जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज आपके क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। और मैंने हिंदी के सभी शिफ्टों के एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, विथ पैसेज एक्सप्लेनेशन एंड पेडागॉजी। सभी के क्वेश्चन सभी शिफ्टों के मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उनसे ज़रूर पढ़ लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील शिक्षक। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बालकों की भाषा समझने के लिए अग्रसर रहता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लिखना निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम कौशल है। तो आपका इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषाई कौशल। तो दोस्तों, मुझे जो क्वेश्चंस मिले थे कि आपके इस तरीके से पेडागॉजी में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर ही कर लीजिएगा। आपके अब इंग्लिश के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो हैं, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की। तो आपका इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरमेंट। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स आर लैंग्वेज टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। तो आपका सेकेंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल एडुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एडिशनल ऑप्शंस ड्यूरिंग द मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स रिफर्स टू। तो आपका इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड स्पोकन लैंग्वेज दैट वन हियर्स और रीड्स। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच मेथड एम्फसाइजेस मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज। तो आपका इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो दोस्तों, जो मुझे इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चंस मिले थे, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे डेली पेपर एनालिसिस के। तो दोस्तों, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और दोस्तों, PYQ की प्रैक्टिस ज़रूर ही कर लीजिएगा। थैंक यू।